वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जरका और बिलाल अलवी से, लेकिन हमारे साथ हमारे कॉलर भी मौजूद हैं. तो जरश खान हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जरश, क्या कहना चाहेंगी? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ और मुझे ये कहना है कि मेरी एज 17 है, तो मेरे फेस पे बहुत छोटे छोटे पिंपल्स निकलते हैं और जब वो खत्म होते हैं वो निशान छोड़ जाते हैं, और ऐसे निशान छोड़ के जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे वो. और मैंने सारे फेस वॉश भी यूज किए हैं और एक दो डॉक्टर के पास भी यहाँ पे गई हूँ, लेकिन एज सच भी बड़ा. ठीक है जरेश, थैंक यू फॉर कॉलिंग. आपके सवाल का जवाब लेते हैं. एक और कॉलर भी है जी, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं, फिर दोनों के जवाब इकट्ठे लेंगे. नजमा नाज है हमारे साथ. जी नजमा. जी मैंने डॉक्टर साहबा से बात करनी थी. मैं खुद होम्यो डॉक्टर हूँ. अच्छा जी. तकरीबन 10 साल पहले भी मेरे ऑल बॉडी पे ना व्हाइट कलर के स्पॉट बन गए थे. ठीक है. अच्छा. तो ये होम्यो मेडिसिन से रिमूव हो गए थे. अब फिर तकरीबन 4-5 साल से फिर दोबारा अपीयर हो गए हैं. ठीक है. और इसके अलावा मैंने मेयो हॉस्पिटल से काफी जगह से चेकअप करवाया, लेकिन ये दाग जो है ना नहीं जा रहे. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नजमा. नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी समन, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने 2-3 दिन पहले, मेरी एक्चुअली शादी है इसी महीने ना, तो मैंने मुँह पे फेशियल करवाया था. तो मेरी मतलब जी, तो मेरा बिल्कुल वो कहते हैं ना, मतलब इसमें बिल्कुल जिल जो है वो झुलस जाती है, वैसे हो गई है. तो अब मुझे कुछ बता देंगी कि मैं क्या करूँ? मैंने कुछ आज तक कभी क्रीम्स वगैरह तो यूज नहीं की कभी, फर्स्ट टाइम करवाई है, तो वो उल्टी असर हो गया. शुक्रिया सुमन कॉल करने के लिए. और ये वही बात है जो भी हम अर्मिला ब्रेक में भी कह रहे थे, तो मैं चाहूंगा बिलाल आपकी तरफ आ जाते हैं, तो वहीं से बात फिर डॉक्टर साहब की तरफ लेके चलेंगे. सबसे पहले समन की बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि फेशियल करवाया और चेहरा वो बर्न हो गया उनका. हमारे यहाँ पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोडक्ट्स आपकी बनती हैं उनकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज से गुजरते नहीं है. यू डोंट नो व्हाट इज इन देम. और प्लस ये कि आपको नहीं पता. अब हमारे यहाँ एक बड़ी चीज है कि जी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो अच्छी है, बट इम्पोर्टेड है लेकिन उसके पीछे रिसर्च हुई भी होती है. अगर यूरोपियन प्रोडक्ट है वो यूरोपियन मार्केट के लिए बनी है, वो रिसर्च हुई है उनकी स्किन टाइप के ऊपर, वो उन उस रीजन के लोगों के लिए इफेक्टिव होगी. आप हमारे रीजन के ऊपर वो उस तरह इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो जितनी भी अच्छी कंपनी की हो. सो आप जैसे रीजन वाई हम लोग एलमोर को यहाँ पे लेके आए, बिकॉज ये साउथ एशियन स्किन टाइप के लिए बाकायदा पूरी रिसर्च के साथ कि हमारे यहाँ के लोगों की स्किन टाइप कैसी है, हमारी स्किन का टेक्सचर क्या है, हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उसको हम लोगों की टेक्सचर किस किस्म का पसंद है. जैसे लोशंस वगैरह में लोगों को होता है चिपचिप नहीं होनी चाहिए. हमारी सारी प्रोडक्ट्स नॉन ऑयली नॉन ग्रीजी हैं. हमारे जितने फेशियल प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी रेंज है सारी, एवरीथिंग इज सेफ एंड इफेक्टिव एंड कोई साइड इफेक्ट्स किसी चीज़ के नहीं है, बिकॉज रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. और आप देखें दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स आपकी तरफ आएंगे. जी शादी है उनकी और एक महीने बाद उन्होंने फेशियल कराया, स्किन जल गई है और ये बड़ा काम खराब है. और जब लड़कियां करा लेती हैं किसी ऐसे पार्लर पे चली जाती हैं, अच्छे से लोन पे भी जाएं तो रिएक्शन हो जाता है. तो आप कह रही हमें कुछ ऐसा बताएं कि ये सही हो जाए. और फिर उन्होंने टाइम भी बता दिया, शादी है, बिल्कुल नहीं. हाँ बिल्कुल नहीं. देखिए जी, इस किस्म की चीजें तो मेरा ख्याल है बिल्कुल टेलीविजन पे ब्लाइंडली नहीं बतानी चाहिए. इनको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अगर आप इनको मेरा नंबर दे दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें अपनी तस्वीर ये बाहर से, तो देन स्पेसिफिकली इनका इलाज होगा. क्योंकि देखिए जिस तरह आप ये ओवर द काउंटर चीज़ों की बात कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवर द काउंटर एंड डॉक्टर? डॉक्टर आपके एक आदमी के लिए इलाज बताता है, जहाँ के ओवर द काउंटर जो चीज़ें होती हैं वो हजार सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दे विल बी ओके. लेकिन हमने वो चीज देनी होती है जो, तो हम पोटेंट चीज भी देंगे, ज्यादा अफेक्ट करने वाली चीज देंगे, लेकिन हमें पता है कि इनकी ये प्रॉब्लम है, इनको 4 दिन के लिए देनी है, 2 दिन के बाद खत्म कर देनी है, तो वी विल बी एबल टू टेक देम आउट ऑफ इट. सो शी मस्ट सेंड मी हर फोटो, आई विल गिव हर सम ट्रीटमेंट और ये इनका बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह इन अ वीक्स टाइम. जी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बॉडी पे स्पॉट बन जाते हैं खुद जो जी, उनको विटिलाइगो है. विटिलाइगो जिसको हम क्या कहते हैं, जो सफेद हो जाते हैं, फुलबेरी कहते हैं. फुलबेरी में आपकी अपनी ही जो जिस्म, आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़े जो है वो आपकी स्किन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है. सो ऐसे लोगों को यूजुअली ऑटो इम्यून हम इसको कहते हैं. और ऑटो इम्यून कंडीशंस का एक स्पेक्ट्रम होता है, थायराइड से लेकर डायबिटीज तक जो इसमें होती है इंक्लूडेड. तो इनकी विटिलाइगो पहले इन्होंने खुद ठीक की थी होम्योपैथ से, और अब विटिलाइगो अब दोबारा से उनको हो गई है. तो विटिलाइगो का इलाज तो जरा थोड़ा लंबा होता है, 1.5-1.5 साल लगता है. एक चीज और बता दीजिए, कॉन्सेप्ट ये कि सन ब्लॉक हमने सिर्फ घर से बाहर निकलना है या धूप में निकलना है तो अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं कर सकते अप्लाई. डेली आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए,
खा आप अंदर हैं या बाहर हैं, क्योंकि इंडोर लाइट में भी यूवीए होती है और ए इज फॉर एजिंग. यूवीए आपकी लाइंस, फाइन लाइंस कराती है, आपकी स्किन को ड्राई कराती है. सो इट गिव्स यू द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग. सो खा आप सुबह आप उठें, मैं तो रोजाना खुद सुबह आधा चम्मच इधर लगाती हूँ सनब्लॉक का और वो अपने फेस पे लगाती हूँ. उसके बाद आई गिव इट 7 to 10 minutes. उसके बाद फिर अगर मैंने बाहर जाना है तो फिर मैं उस पर कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ इंस्टेड ऑफ अ लिक्विड फाउंडेशन. आई थिंक दैट विल वर्क फॉर ज्यादातर लोगों के लिए. एलमोर फेयरनेस क्रीम के अंदर SPF 20 है, व्हिच एक्ट्स ब्रिलियंटली एज अ सनब्लॉक अगेंस्ट यूवीए एंड यूवीबी रेज. आई थिंक आज हमारी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है. तो ठीक है, अच्छा वो जरा प्लीज सॉरी वो मेन वाली बात लास्ट में बता दीजिए, बिकॉज हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं. देखें, मॉइस्चराइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैन एंड वुमेन बोथ. मर्द हो या औरत हो, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग की बहुत जरूरत है. बट देन अगेन कुछ सर्टन प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, बिकॉज मेल स्किन इज जनरली लिटिल टफर देन फीमेल स्किन, हमारी हेयर ग्रोथ डिफरेंट होती है. सो हमने जो है वो मेल फेस वॉशेज भी लॉन्च कर किए हैं एंड वी हैव अ मेन फेयरनेस क्रीम इज वेल. एंड एक पूरा एलमोर मेन का एक सेपरेट वो है, सो मर्दों के लिए बहुत सारी चीजें. थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़रका, थैंक यू सो मच बिलाल, बहुत अच्छा सा सेशन हो गया. जी बिल्कुल, वो हम आपको बार बार रोकते रहे बिकॉज मजबूरी थी, टाइम कम रहा. जी आपसे लेंगे इजाजत और अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया, हमारे भी छुट्टी है और आपकी भी छुट्टी है. अब वो आवाज लगाएंगे छुट्टी वाली. जी बिल्कुल, और आपने फेसबुक और ट्विटर पे अपना फीडबैक जरूर देना है जागो लाहौर के नाम से पेज. और आज के इंटरेस्टिंग से शो में अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो यूट्यूब पे हमारी एपिसोड अपलोड हो जाती है, आप वहां पर हमें फॉलो करें और हमारे जो तमाम एपिसोड है वो देख सकते हैं. मिलेंगे आपसे मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. छुट्टी.